नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube परिवार में। हम आपके लिए पशुपालन के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और किसी न किसी समस्या का समाधान लेके आते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि मेरे चैनल की वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आज हम पशुपालन की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक कृत्रिम गर्भाधान यानी कि AI के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कृत्रिम गर्भाधान यानी कि नर पशु का वीर्य कृत्रिम तरीके से निकाल कर मादा पशु के गर्भाशय में कृत्रिम तरीके से पहुंचाना, जिसे मादा पशु गाभिन हो। कृत्रिम गर्भाधान करने से अच्छी नस्ल के सांडों का वीर्य कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। किसान को सांड को पालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अच्छी सांडों का वीर्य से पशु को गाभिन करने से आने वाली नस्ल अच्छी दूध देने वाली रहेगी, जिससे आगे जाकर ज़्यादा दूध मिल सकता है। अच्छी नस्ल के सांडों का वीर्य कई सालों तक हम संग्रह करके रख सकते हैं। इसे आने वाले कई साल तक हम उस वीर्य का प्रयोग कर सकते हैं। कृत्रिम गर्भाधान करने से मादा पशु में होने वाली गर्भाशय की कई बीमारियों से बचाया जा सकता है, और यदि मादा पशु में बीमारी है तो वो बीमारी कृत्रिम गर्भाधान करने से नर पशु को नहीं होगी। कृत्रिम गर्भाधान में पशु के बांझपन का पता लगता है, इससे मादा पशु की गर्भधारण क्षमता बढ़ती है। कृत्रिम गर्भाधान करने से संतति परीक्षण किया जा सकता है, जिसे आगे जाकर और अच्छी नस्ल की तैयार होती है। हमें जो प्रजाति चाहिए उस सांड का प्रयोग करके अच्छे दूध उत्पादन वाली संतान प्राप्त कर सकते हैं। कृत्रिम गर्भाधान से समय और पैसे की भी बचत होती है। कृत्रिम गर्भाधान करने से हम संकर प्रजनन कर सकते हैं, और संकर प्रजनन के कारण आज के समय में मादा पशु जन्म के 2 से 2.5 साल में ही पहला ब्याज देती है। इसके कारण हमारे किसान की आमदनी बढ़ती है। कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए पूर्ण प्रशिक्षित AI वर्कर होना चाहिए। सीमेन स्ट्रॉ हमेशा लिक्विड नाइट्रोजन में होनी चाहिए। समय पर मादा पशु को गर्भाधान करना चाहिए। गर्भाधान करने के समय शाम या सवेरे का होना चाहिए। गर्भाधान के बाद पशु को हमेशा छाव में होना चाहिए। गर्भाधान करने के समय शोर ना करें। कृत्रिम गर्भाधान के बाद हमेशा यूज किया गया सीमेन कौन से कंपनी का है और उस सांड का नाम क्या है, और गर्भाधान करने की तारीख पशु रजिस्टर में लिख कर रखें। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।